नमस्कार, डॉक्टर महेंद्र बेनीवाल, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो बाड़मेर। आप देख रहे हैं राजस्थान 24 न्यूज। मैं आज जो है 137वें सरपंच नैनाराम जी बेनीवाल के यहाँ हुडों का तला पहुंचा। यहाँ पर हम इनसे ऑफ स्क्रीन बातचीत की, इन्होंने क्या क्या गांव में विकास कराया और वर्तमान में क्या स्थिति है राजनीति की, जानकारी लेने के लिए आया मैं यहाँ पर। सर, सबसे पहले तो आपका नैनाराम जी आपका चैनल में स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जो आप गांव गांव घूम के जो फीडबैक लेके और ऊपर सरकार तक ये पहुंचाते हो। मेरा नाम नैनाराम बेनीवाल, सरपंच पंचायत समिति चौथा। सरपंच साहब, अभी वर्तमान में देखा जाए दीपावली की आप अग्रिम बधाई देंगे प्रदेशवासियों को और अपने ग्रामवासियों को। मैं समस्त ग्रामवासियों को और देशवासियों को इस दीपावली के शुभ अवसर पर सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। और आगामी साल भी आपका अच्छा निकले या मैं शुभकामना ऐसी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सर, सरपंच साहब, अभी गांव के विकास पर मुद्दे पे आते हैं तो गांव में कितने जो आवास है, पानी के टांके का मामला है, सड़क का निर्माण है, आप अपना विस्तृत जानकारी दें। देखिए, अपने यहाँ पंचायती राज के अंदर ज़्यादातर नरेगा के तहत ही काम होते हैं। तो शुरुआत में जैसे सरपंच के चुनाव हुए तो एक साल तो कोरोना काल में निकल गया और उसके बाद में उसके लगभग हमारी पंचायत के अंदर 170-175 टांके कंप्लीट हो चुके हैं और अभी 110 टांके सेक्शन है और लगभग 60-70 लाख का सामान्य का काम हुआ है, जिसमें सीसी रोड है, इंटरलॉकिंग है, चार दीवारी हैं। तो इस तरह का काम हुआ है और आगे काम चल रहा है, होता रहेगा। और जब स्कूल का मामला उठता है तो सर, यहाँ बालिका भी स्कूल भी नहीं है और कौन से आपके हायर सेकेंडरी स्कूल काम पर है? सर, हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे यहाँ पंचायत के अंदर बांकाना तला के नाम से है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांकाना तला। और एक हमारे पड़ोसी जैसे मूल गांव था धारासर में, वहाँ बालिका स्कूल भी है जो 10वीं है। और बाकी विशेषकर स्कूल है चाहे कितनी भी हो, आज तक लगातार ये शिक्षकों की कमी रही है। शिक्षकों की कमी की वजह से छात्रों की पढ़ाई में काफ़ी बाधा आ रही है, नुकसान हुआ है और अब कुछ भर्ती आई है। चैनल के माध्यम से आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे कि वो ज़्यादा मतलब स्टाफ को भेजा जाए, भवन की कोई कमी वगैरह? देखिए, मैं प्रशासन से तो यही निवेदन करूँगा कि स्कूलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करें और जो स्कूलों शिक्षकों की कमी है वो पूर्ति करें। मैं और बाकी प्रशासन से ये निवेदन है, पानी की बड़ी किल्लत है यहाँ से, यहाँ के नर्मदा का पानी अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है। हमारी ये जो सेक्शन है चौथ सेकंड के नाम से जो सेक्शन है वर्क की, अभी तक इसमें कोई टेंडर वगैरह हुए नहीं है और पानी की यहाँ किल्लत है। हमारे यहाँ 1000 रुपये में टैंकर आता है पानी का। और सरकार से यही कहना चाहेंगे, ये रोडें आपने देखी है, आप भी कई रोडों से आए हो और कई रोडें ऐसी बिखरी हुई पड़ी हैं। तो आमजन को तो ये सुविधा, ये रोडें हैं, पानी है, शिक्षा है, बिजली है। अब सरकार कह रही है हमने माफ़ किया है, बिल माफ़ किया, चाहे आप सब कुछ माफ़ कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लाइटें तो बराबर आती नहीं है यहाँ हर जगह, आपने देखा है। और किसानों की लाइटों की तो प्रॉब्लम आज तक खत्म हुई नहीं है, तो उसमें भले ही बंद कम कर दो या बिल माफ़ कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। सर, ये भी देखा गया सरपंच साहब नैनाराम जी कि आप एक सरपंच यहाँ पर हैं, तो आपने संबंधित एमएलए को भी ये अवगत करवाया इस मामले के बारे में? एमएलए साहब को हमने रोडों के लिए कई बार कहा है, लाइट के लिए भी कई बार कहा है। हमारे यहाँ साल भर से जो खंभे लगा रखे हैं डिपार्टमेंट ने और वहाँ उसके ऊपर तार खींचने के लिए उनके पास मटेरियल नहीं है। कई बार हमने संबंधित डिपार्टमेंट से भी मिले, कोशिश की, जाइए नहीं एक्शन तक बातें की बात की, लेकिन अभी तक कोई समाधान हुआ नहीं। ये जितने एक्शन वगैरह है उनसे मैं बातचीत करके आपकी समस्या समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं संबंधित एमएलए को भी फोन करके आपके हाथों हाथ तुरंत कार्रवाई कराने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा यहाँ पर और क्या समस्या है, जैसे कि ताकि लोग आराम से यहाँ रह सके? ग्रामीण क्षेत्र है, शिक्षा का भी जो माहौल उठता है सर, यहाँ बहुत दूर है, चौटन बहुत दूर है, रामसर बहुत दूर है वगैरह, कॉलेज नहीं है सर। तो कॉलेज और बालिका स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे? सरकार बालिका स्कूल और एक बढ़िया अच्छी सी कॉलेज, यहाँ जैसे चौटन से 25-30 किलोमीटर दूर पड़ता है तो हमारा ये बीजराड़ अरई सर्कल पड़ता है, इसके अंदर ऐसी कोई अच्छी कॉलेज हो
और जहाँ जहाँ स्कूल हैं, सीनियर स्कूल हैं, वहाँ उनके पास लाइब्रेरी भवन हो, तो इस तरह की अगर सरकार कोई योजना बनाए तो, क्योंकि आम गरीब बच्चा तो बाड़मेर तक जाके वहाँ रूम वगैरह मकान रह नहीं सकता, आर्थिक स्थिति के हिसाब नहीं रह सकते, इसलिए इस तरह की व्यवस्था अगर हो तो गरीब परिवार के लिए, गरीब बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने की उम्मीद रखते हैं और वो आर्थिक स्थिति के अंदर मार खा जाते हैं और फिर उनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो उसके लिए सरकार अगर ऐसी व्यवस्था करे तो गरीब आगे बढ़ेगा और पढ़ेगा। सर अगर आपको यहाँ पर इस पंचायत में अगर आपके यहाँ कॉलेज खोला जाए, दारासरा, ये रतासरा और काफी गांव है, हुडा का तालाब जो भी है आपका जो क्षेत्र है जहाँ के सरपंच है, तो यहाँ पर कॉलेज के बारे में आपने बहुत अच्छी बात कही, शिक्षा के बारे में, बालिका छात्रावास के बारे में कही। सर आप एक सरपंच होने के नाते मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप युवा, पर्टिकुलर मैं आपके गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम जो सीमांत क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अपने गांव आते हैं, आप क्या कहना चाहोगे कि युवा जो है आज वर्तमान में हमारे एक अभियान चल रहा है नशा के खिलाफ, अभियान चल रहा है नशा कितना नुकसान है, MD स्मैक वगैरह कुछ नए नशे आ गए हैं सर आजकल, खूब नशे आए हैं और नशों के प्रति हम यहाँ जब भी कभी सभाएं वगैरह होती है, ग्रामीण एक साथ इकट्ठे होते हैं, गांव के मौजूद लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसमें हमेशा चर्चा करते रहते हैं, ये कहते रहते हैं लोगों को भाई आप बच्चों को, अपने बच्चों का आप खुद ध्यान रखो, और वो रास्ते से भटक जाते हैं, और आपको अगर साइड से कोई आपका पड़ोसी वगैरह आके कह देता है कि भाई ये बच्चा आपका थोड़ा रास्ते से भटक जाता है, भटक गया है, तो उसमें आप नाराज हो जाते हो, तो इस तरीके से नाराज ना होके अपने बच्चों पे ध्यान रखो। अगर पेरेंट्स सर कोई अगर नशा कर रहा है तो उन्हें तो उनके बच्चे उनसे सीख जाते हैं, गार्जियन कोई होता है वो उनसे सीख जाते हैं, माँ बाप कोई नशा करता है वगैरह करता है, बड़े बुजुर्ग कोई करते हैं तो बच्चे कहते हैं इनके क्या होता है, फिर वो उसकी लत पड़ जाती है। ऐसा है कि जो नशे आज चले हैं वो नशे या बड़े बुजुर्ग या पेरेंट्स कोई नहीं करते, बच्चे आज जिस नशे के अंदर जा रहे हैं वो नशे बच्चे गलत संगत की वजह से ले रहे हैं, और उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई गार्जियन वगैरह है, माँ बाप वगैरह, इनकी कमी है कि वो इस बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान नहीं देते, यहाँ से फ्री कर देते हैं और बाड़मेर चले जाते हैं, फिर वहाँ की पीछे देख रेख नहीं करते हैं। सर बस आप एक आज के अगर माहौल में अपन देखें बाड़मेर को, कभी एक जमाने में काले पानी की सजा के रूप में देखा जाता था 20-25 साल पहले, किसी अगर कोई कार्मिक अच्छा काम नहीं करता था तो अधिकारी, बड़े अधिकारी उनको कहते थे कि हम बाड़मेर जैसलमेर भेज देंगे, आज बाड़मेर में अच्छी प्रोग्रेस की, अच्छे IAS RS हो गए, अच्छे लेवल के जो है टीचर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, RAS, IAS ऑफिसर बन रहे हैं, तो इतना शिक्षा का माहौल है, लेकिन फिर भी ये क्या कारण है कि मतलब या स्टाफ ना होने के कारण बच्चे पीछे रह जाते हैं, या पर कोई टीचर्स नहीं होते कारण, या उसको अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है, क्या कारण है? ऐसे है कि बच्चे पीछे रहने का कारण, मूल कारण तो एक ही है कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई के लिए वो माँ बाप उसका खर्चा दे सकते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन पीछे ध्यान नहीं रखते हैं। बच्चों के पीछे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हैं उसके अंदर इतनी अक्ल होती है, ज़्यादा कोई उनकी अक्ल तो कोई भी निकाल लेता है, तो इसलिए मेन पढ़ाई अगर बच्चे को करवाना है तो हमें एक चीज़ का भी गर्व है, अभी हम बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्योंकि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की ये सीमांत क्षेत्र ही ऐसा है जिसके अंदर थोड़ी बहुत मानवता बची है, तो बाकी आप चले जाओ जोधपुर से आगे कहीं चलो चले जाओ, आप मेरे पड़ोस से निकल रहे हो और मेरे घर के आगे से निकल रहे हो, मैं आपसे पूछूंगा नहीं आप कौन और कहाँ जा रहे हो, यहाँ से कोई नया आदमी देखेंगे तो वो बिल्कुल उनको बुलाएगा, चाय पानी नाश्ता खाने के लिए भी पूछेगा, तो ये चीज़ें अपने बाड़मेर में आज भी है, मान मनवार है और मान सम्मान है, और आजकल क्या है ये जैसे गलत तरीके से जो पैसे वगैरह कमाए जाते हैं ना, उनको मेरी कहना तो एक ही है, समाज से ये कहना है कि गलत तरीके से जो पैसा कमाता है उस आदमी को मान सम्मान देना है, उसका बढ़ चढ़ के प्रशंसा करनी है, ऐसा काम करना बंद करेंगे तो ही ये बच्चे सही रास्ते पे आएंगे, नहीं तो बच्चे क्या है उनको देख के उनके दिमाग में ये होता है कि भाई देखो इस आदमी का कितना मान सम्मान कैसा क्या है, वो नहीं सोचते कि भाई इस आदमी ने किस तरीके से ये काम किया क्या नहीं, तो उससे बच्चे रास्ता भटक रहे हैं, और विशेषकर परिवार को बच्चों के पीछे ध्यान रखना जरूरी है। कोई अंतिम संदेश आपके ग्रामवासियों को सरपंच होने के नाते सब कुछ? भाई ग्रामवासियों ने अंतिम दीपावली की शुभकामना तो मैंने दी, और भी पुनः दोबारा ग्रामवासियों को शुभकामनाएं, मेरे सरपंच कार्यकाल 3 साल हो गए हैं, 3 साल के अंदर बड़ी शांति से काम चला और मेरा समस्त ग्रामीणों को बहुत अच्छा आशीर्वाद रहा है, और मैंने मेरी कोशिश की है, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है
उस जिम्मेदारी में मैं पूरा खरा उतरने की मैंने मेरी कोशिश की और आगे भी करता रहूंगा। और इंसान जो काम करता है उसके अंदर पूरी निभा रहे हैं, पूरी निभा रहा हूँ। और इंसान जो काम करता है उसके अंदर कोई गलती है तो होती होती है, लेकिन फिर भी गाँव वासियों ने ऐसा मेरे बार आशीर्वाद रखा है और ऐसा मैंने कभी मौका नहीं दिया था कि मैं गलती कर सकूं। ये मैं दुर्गेश माली के साथ डॉक्टर महेंद्र बेनीवाल डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो सी बाड़मेर, वर्तमान में सरपंच मेरे साथ नैनाराम जी है। नैनाराम जी ने ये बताया एक नशे के खिलाफ बहुत ही अच्छी बात बताई। एक सरपंच होने के नाते तमाम क्षेत्र के जो प्रदेशवासी हमें 58 लाख जो लोग देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, उनसे मेरा निवेदन कि नशा एक नाश है और नशे के बिल्कुल नज़दीक नहीं रहे। उनके अलावा इन्होंने अपने गाँव की जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई, वो ये बताई कि गांव का विकास, इतने पानी के टांके वगैरह, और उन्होंने क्लियर और साफ और स्पष्ट बात है ये बताई कि ग्रामीण क्षेत्र में के अंदर थोड़ा बिजली की समस्या बताई, पानी क्लियर बताई गई, ताकि मतलब ये जो नर्मदा नहर जो है वो उनका पानी आ जाए। नर्मदा का अगर पानी यहाँ आ जाता है तो किसानों को, आम जो किसान है जो बाहर मजदूरी करने जाते हैं उनको भटकना नहीं पड़ेगा, ये जानकारी हमें दी। मैं नैनाराम जी को चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं दुर्गे FM दुर्गेश माली के साथ डॉक्टर महेंद्र बेनीवाल हुडो को तला बाड़मेर।